माफी मांगेंगे, हमने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब ये फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के, तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। ఫ్రీడమ్ యాప్ నుండి నేర్చుకుని పండ్లను పండిస్తున్నారా? అలాగైతే మీ పండ్లని 1 కోటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్రీడమ్ యాప్ వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా అమ్మొచ్చు. తో యే జో కహా జా రహా హై ఉన్కో ఫసానే కీ కోషిష్ కీ గయీ హై ఇస్కా ఆజ్ కీ ఘటనా అడానీ ప్రకరణ సే కోయి మత్లబ్ నహీ హై. ఆలోచనా కర్నే కా అధికార్ హై, గాలీ దేనే కా అధికార్ నహీ హై. ఔర్ రాహుల్ గాంధీ నే గాలీ దీ థీ, బేఇజ్జత్ కియా థా, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब यह फैसला हुआ है। ఫ్రీడమ్ యాప్ నుండి నేర్చుకుని పండ్లను పండిస్తున్నారా? అలాగైతే మీ పండ్లని 1 కోటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్రీడమ్ యాప్ వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా అమ్మొచ్చు.